दोस्तों डामस हक मेहर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो मेरे से परेशान बैठी होती है, इसके पास आता है और आखिरकार बात पूछने की कोशिश करता और कहता है कि क्या वजह है, वैसे आप इतनी परेशान क्यों हैं। वैसे जब से बात सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती हैं वकार को, कहती हैं कि वकार मैं आज आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। आगे से वकार कहते हैं कि जी बोलें वैसा, क्या बात करना चाहती हैं? तो फ़ौरन जवाब देती है वैसा, कहती है कि आप क्या मेरे साथ मोहब्बत करते हैं? तो आगे से वकार कहते हैं कि वैसा ये बात पूछने वाली है? तो वैसा कहती है कि मुझे ये बताओ हाँ और ना में जवाब दो। तो इस जहाँ पर वकार कहते हैं कि बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो अगर से वैसा कहती है कि अगर आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो फिर आप छोड़ दें एसओबी को, हमेशा के लिए दिल से निकाल दें। तो यहाँ पर वैसा वकार से बातें सुनते तो बड़ा परेशान हो जाता है, समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि इस वक्त मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, आप इस बात को समझते क्यों नहीं है? पापा की पहले भी बहुत सा तबीयत ख़राब है और मज़ीद मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, आप और जो कुछ भी कहेंगी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो इस यहाँ पर चुप हो जाती है वैसा, वकार को कहती है कि बस कर दें, जो कुछ आपको कहा है आप वो तो कर ही नहीं रहे। तो आगे से आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इस यहाँ पर वकार अपना सर नीचे कर लेते और वैसा को कहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, उसे बात दिल में मत रखना। तो आगे से वैसा कहती कि दिल में बात तो मैं नहीं रखती, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहती थी कि तुम क्या कुछ कर सकते हो मेरे लिए, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे लिए, क्योंकि तुम में हिम्मत ही नहीं है। अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करते ना, अगर तुम मुझे चाहते तो कभी भी मुझे इस मुश्किल वक्त में ऐसा ना छोड़ते और मेरे साथ डट कर खड़े हो जाते। लेकिन कभी कभी मुझे दुख भी होता है, कभी कभी मुझे टेंशन भी होती है कि आप मेरे साथ ऐसा करें। तो यहाँ पर फौरन चुप हो जाते हैं वकार और उठ कर चले जाते हैं। दूसरी दफ़ा आप लोगों को भी दिखाया जाएगा कि अमन आती आकर बात करती है अपने वालिद के साथ और कहती है कि पापा जान मैं आज भी आपको यकीन के साथ कह रही हूँ, आज भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा है। इस यहाँ पर वैसा का ख़ानदान और वैसा, आप प्लीज़ वैसा को वो मुकाम दें जैसा वो चाहती है। तो यहाँ पर सवाल जब बात सुनते हैं तो वो फ़ौरन जवाब देते हैं अमन को, उसे कहते हैं कि मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मुझे इस बात का दर्द भी है, लेकिन अब मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। बस आप वकार को यही पैगाम दे दें कि उसको खुश रखने की कोशिश करें, उसके साथ अपना जो वक्त है वो ठीक गुजारे। तो आगे से ऐमन कहती कि पापा जान जब तक आप ठीक नहीं रहेंगे उसके साथ तो मुझे नहीं लगता कि वो खुश रह पाएगी, आपको उसके साथ ठीक रहना ही होगा। अब देखते हैं कि क्या वैसा का जो वालिद है इसे चेंज हो पाता है, यानी आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दें और शेख लाजमी।